डेरा सच्चा सौदा रूहानी स्थापना माह की खुशी में दिल्ली की साध संगत ने तुगलकाबाद में पावन भंडारा धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। नाम चर्चा को लेकर भारी तादाद में पहुंची साध संगत ने जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। संत गुरुवीत राम रहीम सिंह इंसा जी की पावन प्रेरणा और मार्ग दर्शन पर चलते हुए साध संगत 138 मानवता भलाई के कार्य कर रही है। इसी कड़ी में एक कार्य है स्माइलिंग स्कूल फ्री, जिसमें बीमार बच्चों का इलाज करवाना व उनको खाने का सामान देने आदि का कार्य किया जाता है, जिसमें आज दिल्ली की साध संगत द्वारा 139 जरूरतमंद बच्चों को खाने का सामान दिया जा रहा है। पवित्र नारा धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा के साथ नाम चर्चा का आगाज हुआ। इसके बाद साध संगत ने विभिन्न भक्तिमय भजनों के साथ सदगुरु जी की महिमा का गुणगान किया। नाम चर्चा में बड़ी स्क्रीन के माध्यम से डॉक्टर गुरमित राम रहीम सिंह ने इंसा के अनमोल वचन साध संगत को सुनाए गए। तो रूहानियत में एक कहावत है कि खसम तो एक बार ही बनाना है, तो क्यों ना ऐसा पक्का खसम बना ले जो एक बार हाथ पकड़ ले दोनों जहान में ना छोड़े। हमें तो हमारा वो खसम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम शाह सतनाम शाह मस्तान मिला है, जिसने एक बार हाथ पकड़ा है अब बेफिक्री है, अपने आप ले जा रहा है, कठपुतली है अपने आप नचा रहा है, नचाएगा नचाता था नचाए। इस अवसर पर भारी तादाद में पहुंची साध संगत को संबोधित करते हुए जिम्मेदार सेवादारों ने कहा कि डॉक्टर गुरमित राम रहीम सिंह जी इंसान ने हमेशा समाज का भला किया है और साध संगत को भी ऐसा करने की सीख दी है। मानवता भलाई के कार्य करके आज जो ये दिन मना रहे डेरे का स्थापना दिवस है 29 अप्रैल, तो ये पूरा महीना अप्रैल महीना हम मानवता भलाई के कार्य करके मनाते हैं। ये शिक्षा हमारे को पूज्य हजूर संत डॉक्टर गुरमित राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणाओं से मिलती है और उनके दिशा निर्देश कार्य किए जाते हैं। आज जैसे हमने व्हील चेयर दिए, 3 विकलांग भाई हैं जिनको 3 ट्राई साइकिल दिए, 629 राशन की किटें दिए गरीब परिवारों को, इस एरिया से गरीब परिवार लिए जो 629 राशन की किटें दिए, और हमने कसोरे हैं 729 जो पक्षियों के लिए आपने देखा वीडियो हमारे गुरु जी ने फरमाया है, शास्त्रां जी ग्रेस वेलफेयर फॉर के जो सेवादार हैं वो ये सेवा करते हैं, वो 729 कसोरे दिए गए हैं, और जो नन्हे से मासूम चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए गुरु टोकरी 129 टोकरियाँ दी गई हैं। ये साध संगत बहुत है, गर्मी का महीना होता है तो जितने भी स्टेट में हर स्टेट में भंडारा मनाया जाएगा और 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा सरसा में भी मनाया जाएगा। बस यही है कि एरिया वाइज ज़्यादा से ज़्यादा मानवता भलाई के कार्य किए जाएं, ताकि उससे यही शिक्षा मिले कि जब 6 करोड़ साध संगत गुरु जी के पावन दिशा निर्देश में मानवता भलाई के कार्य करती है तो और भी पब्लिक साथ आए और ये मानवता भलाई के कार्य जो चिट्ठी आती है ये हमारे पूज्य गुरु जी समय समय पर चिट्ठी भेजते हैं, इनमें मानवता भलाई के जो 130 कार्य आते हैं उनके बारे में साध संगत को प्रेरित किया जाता है और वो चिट्ठी जैसे मुरीद को होता है सतगुरु का खत आया, मुरीद के लिए तो बहुत बड़ी बात चिट्ठी है, उसके माध्यम से हमें संदेश मिलते हैं और हम मानवता भलाई के कार्य पर चढ़ते हैं। 29 अप्रैल है, 700 ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों में 729 इसलिए दिए हैं, 29 का तो यही है कि 29 अप्रैल को डेरे सच्चे सौदे का स्थापना दिवस है। हम जो ये लोकेट पहनते हैं, हम एक हमारा मालिक एक ये लोकेट इंसा का, ये इस सभी सर्वधर्म मानते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है, ये हमारे को चांद पिलाया था, ये भी हमें 29 अप्रैल को पिलाया था। भक्ति में तो शक्ति है जी, भक्ति में तो कमी नहीं है, ये जो पूर्ण पीर फकीर होते हैं आप पीछे भी नजर मारो जितने पूर्ण पीर फकीर हुए हैं सबके ऊपर समय समय के अनुसार है, ये हम तो यही कहते हैं सतगुरु की रजा है जैसी उसकी रजा है, सात सरत में भक्ति में जी कोई कमी नहीं, सतगुरु की रहमत से पूरे मानवता भलाई के कार्य पर चर्चे कर रहे हैं आपके सामने करते हैं, जैसा हमारे सतगुरु ने 138 मानवता भलाई के कार्य हमें बताए हैं बढ़ चढ़ के करते हैं। भाई तरीके से प्रोग्राम रखा गया है, तो मेन मोटिव है वो यही है कि मानवता का संदेश देना, क्योंकि जो
जिस पे चलते हुए सात संगत लगातार मानवता भलाई के 138 कार्य कर रही है। इसी दौरान जिम्मेदारों के साथ सात संगत ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूज्य गुरुजी के दृढ़ विश्वास और आस्था करते हुए मानवता भलाई के कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।